माई लव्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो टुडे आई एम गोना शेयर माई टेक ऑन दिस 100% स्क्वालेन फ्रॉम द मिनिमलिस्ट, द बी मिनिमलिस्ट. सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने जो पहले इसको ऑर्डर किया था तो उस टाइम गलती से रेटिनॉइड ऑर्डर हो गया था. सो फाइनली अब मैंने इसको मंगवाया था विद देयर न्यू मॉइस्चराइज़र. सो मॉइस्चराइज़र को मैं अभी थोड़ा सा और टाइम देना चाहती हूँ बिकॉज अभी उसको मुझे यूज़ करते हुए हार्डली 4-5 दिन हुए हैं एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, लाइक उससे मुझे कुछ इशू हुआ. सो वो मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि वो इस क्रीम की वजह से हुआ या मैंने उस टाइम पे कोई चीज़ ऐसी खाई उसकी वजह से हुआ. सो आई वॉन्ट टू गिव दैट प्रोडक्ट सम मोर टाइम सो दैट यू नो मैं ऐसे ही आपको रिव्यू नहीं देना चाहती हूँ उसका. एंड आई शेयर माई रिव्यू ऑन दिस बी मिनिमलिस्ट का 100% स्क्वालेन. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल and if you haven't subscribed to my channel, please take a moment to hit on that red subscribe button down below and hit on the notification bell as well so you never miss any of my videos. And if you're not following me on Instagram, then come and follow me there to stay updated for upcoming videos. And now without wasting a minute, let's get started. Now सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्क्वालीन क्या है और स्क्वालेन क्या है. ओके, जो स्क्वालीन होती है वो ऑलरेडी सेल्स में प्रेजेंट होती है एंड मोस्टली इसको यू नो शार्क के लीवर से निकाला जाता है. ओके, बट उसको डायरेक्टली हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते अपने फेस पे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा यू नो अनस्टेबल होती है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड थोड़ी सी हैवी वेटेड होती है, आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉक कर सकती हैं. ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है. दैट्स वाई ये क्या करते हैं उसको यू नो स्क्वालेन में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक हाइड्रोजनेशन से वो उसको स्क्वालेन में कन्वर्ट कर देते हैं. सो वो जो स्क्वालेन बनता है दैट इज़ वे मोर लाइट देन द स्क्वालीन, एक्चुअल स्क्वालीन, एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होने के कारण वो आपके यू नो पोर्स को क्लॉक नहीं करता है एंड हैंस सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स इंक्लूडिंग ऑयली स्किन. ओके, एंड मोस्ट स्टेबल होती है सो ऑक्सीडेशन का भी कोई इशू नहीं है. दैट्स वाई स्क्वालेन यूज़ होती है, नॉट स्क्वालीन. ओके, दैट्स द बेसिक डिफरेंस. नाउ इसके अंदर जो स्क्वालेन यूज़ हुई है, इन्होंने यूज़ किया है फाइटोस्क्वालेन. नाउ एज आई सेड कि जो प्योर जो ट्रेडिशनल जो स्क्वालीन है वो शार्क लीवर से निकाली जाती थी. तो शार्क लीवर का जो बेस्ट, लाइक उस स्क्वालीन का जो बेस्ट ऑल्टरनेट है वो है ऑलिव से जो निकाला जाता है दैट. सो इसके अंदर भी इन्होंने ये लिखा है वेजिटेबल स्क्वालेन फ्रॉम ऑलिव इन्ग्रीडियंट्स में, देर इज़ नथिंग एल्स. सो डेफिनेटली इट्स गोना बी दी बेस्ट वन आउट देयर एंड स्पेशली द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस वन इज़ वेरी वेरी ग्रेट, लाइक 699 रुपीज़ फॉर 30 ml. लाइक इससे पहले मैंने सुगंधा की स्क्वालीन यूज़ करी है, वो भी बहुत अच्छी है बट आई फील थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दिस वन. आई हैवन यूज दैम साइड बाई साइड, लाइक कंपेरिजन मैं इनका नहीं कर पाऊँगी कि वो बेटर है या ये बेटर है. बट येस द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर वन इज़ वेरी वेरी लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ईजिली आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है. एंड यू गाइज नो आई लव स्क्वालीन जस्ट फॉर माई अंडर आईज, बट स्टिल यू नो इट्स not gonna clog your pores. You can use it on all over your face. If you have oily skin, still you can go for this one. If you're acne prone, still you can go for this one because it's very very lightweighted. But still if you're not sure, so my suggestion is din ke time pe mat use karo, isko raat ke time pe use karo, then it's gonna work wonderfully. I prefer to use it under my eyes, like jab ye first day mujhe mili thi maine iski 2 drops li thi. जर्नली जो मैं से यू नो 2 drops लेती थी सुगंधा वाली स्क्वालीन की, सो इसकी मैंने 2 drops दोनों साइड पे ली बट वो 2 drops मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगी. सो उसके बाद से मैंने सिर्फ सिंगल ड्रॉप लेना शुरू कर दिया दोनों आईज पे, लाइक 1 drop हेयर एंड 1 drop हेयर, एंड देन उसको अच्छे से मसाज करती हूँ और बहुत अच्छे से सिंक इन हो जाती है आपके स्किन में. सो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यू नो फाइन लाइन्स के लिए क्या करें एंड ऑल दैट. सो आई वुड से दिस इज़ द परफेक्ट ऑप्शन इफ़ यू आर फेसिंग दैट फाइन लाइन वाला इशू. मैं ये कह रही कि ये विद इन 1 month आपके फाइन लाइन्स को ठीक कर देगा या बिल्कुल हटा देगा, बट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 months टू सी द रिजल्ट. ओके, कम से कम 3 महीने तो आपको इसको देने पड़ेंगे. एंड आई वुड से इतनी जो ये 30 ml की क्वांटिटी है ये आपकी बहुत लंबी चलने वाली है बिकॉज अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे फाइन लाइन्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोरहेड पे फाइन लाइन्स है तो जस्ट टेक 1 or 2 drops एंड मसाज ओनली देयर. ओके, एंड टेक 1 or 2 drops फॉर द अंडर आईज टू यू नो
अर्ली साइंस ऑफ एजिंग या यहाँ पे फाइन लाइंस अगर अभी नहीं हुए हैं तो उनको रोकने के लिए आप इसको अंडर आइज के नीचे भी यूज़ कर सकते हो. इट गोना वर्क वंडरफुली एंड ट्रस्ट मी, जितना ही मैंने ये यूज़ करी है मैंने आपको बताया है बहुत बार कि आई लव स्क्वालिन फॉर माई अंडर आइज एंड मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी इससे मिलते हैं. सो मैंने दोबारा से इसको यूज़ करना शुरू किया है एंड 3 months के बाद ऑफकोर्स आई एम गोना कंटिन्यू यूजिंग दिस वन फॉर 3 months एंड 3 months के बाद मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी कि इसने मेरे फाइन लाइन्स पर कुछ किया या नहीं किया. बट आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो इट्स 100% स्क्वालिन. तो ये ऑफकोर्स डेफिनेटली जो फाइन लाइन्स हैं, क्रोज फीट हैं, रिंकल्स लाइन्स, इन सब में ये काम आती है. सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरे जो ये अंडर आइज के जो थोड़े बचे हुए फाइन लाइन्स हैं उनको भी ठीक कर देगी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर दिस वन, यू डेफिनेटली गो फॉर दिस वन बिकॉज प्राइस पॉइंट पे इसको अभी तक इंडियन मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता है. आई नो वे आर अदर ब्रांड्स एज वेल, डॉक्टर शेथ की भी आती है, देन इंडल्जियो की भी आती है, बट दिस वन इज़ दी cheapest one, I would say the affordable one. So yeah, socho mat, le lo. That is it guys, that's all about this video. I hope you found this video helpful. Video helpful lagi, achi lagi, like kar dena, channel ko subscribe aur mujhe Instagram pe follow karna bilkul mat bhulna. Milti hu aapko apni agli video mein, tab tak apna dhyan rakhna. Bye bye.